हेलो फ्रेंड्स मैं संजीव और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग छंद पढ़ेंगे जैसा कि आपने पिछले वीडियो जो अगर देखा होगा तो हिंदी व्याकरण में काव्य बोध के अंतर्गत ही आता है और इसमें हम लोगों ने काव्य को पूरी तरह से समाप्त किया उसके बाद रस और अलंकार ठीक है अगर ना देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा और आज हम लोग बात करेंगे छंद पे और इसकी टू जेड ए बी सी डी हम लोग पढ़ने वाले यानी बेसिक टू एडवांस तक जाने वाले हैं यानी कि इसके बाद आपको छंद ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें अब आपको हम बिल्कुल विश्वास से दिलाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ज़रूर ठीक है चलिए खैर हम लोग छंद को आज शुरुआत करते हैं ठीक बिल्कुल जैसे आप ये देख पा रहे हैं छंद है यहाँ पास और छंद को हम लोग समझते भी चलेंगे ठीक जैसे इसमें दिया गया है छंद कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं यानी कि जब कविता को लिखा जाता है तो उसमें कुछ विधान होते हैं कुछ नियम होते हैं कानून होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं छंद कहते हैं छंद कविता का व्याकरण है, वो देखो कविता का व्याकरण कौन होता है छंद होता है आवश्यक अंग भी है मात्रा या वर्ण की गणना या क्रम के आधार पर जहाँ काव्य की रचना की जाती वहाँ छंद होता है अगर इसको एक परिभाषा के रूप में बताएं तो क्या हो सकता है आपका यहाँ पास आ, वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या एवं क्रम मात्राओं की गणना तथा यतिगत से संबंध नियोजित काव्य रचना को छंद कहा जाता है यानी कि इसमें सब कुछ का ध्यान रखा जाता है वर्णों का भी आ, मात्राओं का भी क्रम का भी यतिगति लय ताल छंद सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है आप जितनी चीजें लगा सकें ठीक है जितने इसके अंग है सभी का नाम ले सकते हैं आप तो इसको छंद कहते हैं छंद के अंग होते हैं यानी कि छंद किन चीजों से मिलकर बना होता है उसे हम अंग कहते हैं समझ गए प्रकार नहीं प्रकार अलग होता है भेद अलग होता है ठीक है बिल्कुल जैसे यहाँ पे दिया गया चरण या पाद चरण कह लो या पाद कह लो ठीक है स्टेप जिसे कहते हैं इंग्लिश में पहला ये होता है दूसरा वर्ण और मात्रा होता है वर्ण की गणना और मात्रा की गणना अलग अलग यति और गति तुक और गण ये आपके छय होते हैं छंद के अंग होते हैं तो इनके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते क्योंकि डिटेल हम लोग छंद कर रहे हैं तो इसमें हम लोग इनके बारे में भी पढ़ेंगे देखिए जैसे पहला नंबर दिया गया है पाद या चरण पाद को चरण भी कहते हैं छंद शास्त्र में पाद का अर्थ चरण का चतुर्थ भाग है क्या पाद का अर्थ छंद का चतुर्थ भाग से होता है छंदों में प्राय चरण होते हैं वो देखो प्रत्येक छंद में वर्णों या मात्राओं की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है उसमें मतलब हर एक चरण में हर एक चरण में वर्ण अगर वर्णिक छंद है तो वर्णों का सुनियोजित होना चाहिए क्रम सही होना चाहिए कितने च, उसमें कितने वर्ण होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए और छंदों में क्या है वो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना सही क्रम में होनी चाहिए इन सब का ध्यान रखा जाता है ये चरण दो प्रकार के होते हैं चरण भी दो प्रकार के होते हैं समचरण और सम चरण होते हैं ठीक है तो समचरण किसे कहते हैं सम जैसे आपको पता है एक दो तीन चार अगर उसमें टोटल है तो दो और चार को हम सम कहेंगे एक और तीन को विषम कहेंगे तो वही प्रथम और तृतीय चरण को विषम क्योंकि एक और तीन क्या होता है विषम नंबर भी होती है तो विषम चरण हो जाएगा और दो चार सम संख्या होती है तो सम चरण हो जाएगा क्लियर है ओके आगे चलते हैं तो हम लोग बात करते हैं दूसरे इसके अंग पे छंद के वर्ण और मात्रा पे चलते हैं वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं वर्ण मात्रा की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं वर्ण क्या होते हैं मात्रा के दृष्टि से क्या होते हैं वर्ण मात्रा के दृष्टि से दो प्रकार के एक लघु यानी हास्य जिसे कहते हैं हास्य वर्ण या लघु वर्ण एक होता है दीर्घ वर्ण ठीक है बिल्कुल लघु वर्ण में एक मात्रा होती है और दीर्घ वर्ण में दो मात्राएं होती हैं जिनके चिन्ह ये हैं अगर लघु होगा तो उसको सीधा ऐसे खड़ी लाइन कर देंगे अब गुरु होगा तो उसमें हम कुछ इस प्रकार से ऐसे बनाते हैं ठीक है यानी कि आप ऐसा बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं ऐसे बना होता है इस पर से लेकर के वो थोड़ा सा आप यास भी बना दोगे कॉपी में तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक तो लघु को कहते हैं एक अ दीर्घ होगा डबल मात्रा होगी तो इस तरह बना देंगे तो इसका मतलब दो हो जाएगा तीसरा है यति किसी छंद को पढ़ते समय जब हम रुकते या विराम लेते हैं उसे यति कहते हैं जब कॉमा लगा हो स्टॉप लगा हो तो उसके अनुसार हम थोड़ा देर से थोड़ा देर तक रुकते हैं तो वो उसको हम यति कहते हैं ठीक जैसे प्यारे अ, मेरे प्यारे कुमार अब भी क्यों नहीं गे आए हरिद प्रिवास जी ने लिखा है ये देखो कॉमा लगा हुआ है तो यहाँ पे हम कॉमा में थोड़ी एक दो सेकंड के लिए रुकते हैं और फुल फुल स्टॉप में थोड़ा दो चार सेकंड का यानी कि दो गुना समय लेते हैं जैसे दिया गति गति का अर्थ छंद की लय प्रवाह से है कि हम उसको कैसे पढ़ रहे हैं थोड़ा आराम से पढ़ रहे हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं वो गति बताता है जैसे इसका नाम भी गति है तो वो गति उसकी स्पीड बताएगा जिसका अनुभव पढ़ते समय पाठक को होता है उसे गति कहते हैं प्रत्येक छंद की एक अलग लय होती है उसको किस तरीके से पढ़ा जाना है ये कभी बताएगा जिस लय या प्रवाह में दोहा पढ़ा जाता है उसी प्रवाह में चौपाई नहीं पढ़ी जा सकती समझ रहे हो ना तो अलग अलग सबकी गति होती है अच्छा इसमें हम बात करें तुक की क्या बात करें तुक की बात करें अगर हम पाँचवा नंबर क्या पाँचवा नंबर की बात करें तुक का अर्थ वर्णों की आवृत है क्या है वर्णों की आवृत है।, है चरण के अंत में वर्णों की आवृत को तुक कहते हैं चरण के अंत में वर्णों की आवृत जब आ, उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपने कुंडलिया सुना होगा जिस अक्षर से जिस शब्द से चालू होता है उसी शब्द से अंत होता है इसका मतलब क्या तुक है तुक भिन्न भिन्न भिन छंदों में तुक का प्रयोग भिन्न भिन्न रीत से किया जाता है ये तुक कई प्रकार के होते हैं ठीक है तो चलिए खैर इनको भी हम लोग देख लेते हैं ठीक है यस ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपका अतुकांत जब किसी भी चरण की तुक ना मिले जैसे आज की नई कविताएं होती हैं उसमें तुक नहीं मिलता उसको आतुकांत कहते हैं क्या कहते हैं आतुकांत कहते हैं चलिए खैर आगे चलते हैं हम लोग आगे आता है गढ़ कहता है गढ़ क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं गढ़ क्या होता है ठीक है यस जैसे यहाँ पे दिया गया गण क्या होता है ये छठवा अंग होता है छंद का तो वार्णिक छंदों की गणना गण गड़ के क्रमानुसार की जाती है ठीक है वार्णिक छंदों की तीन वर्णों का एक गण होता है तीन वर्ण यानी कि तीन अक्षर मिलकर एक गण बनाते हैं गणों की संख्या आठ होती है यह अगढ़ मगढ़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगढ़ ये आपके होते हैं आपके यहाँ पे आठ हो चुके हैं बिल्कुल चार चार आठ हो गए हैं इसको शॉर्ट में हम ऐसा भी कहते हैं यगड़ को या कहते हैं मगड़ को माँ कहते हैं तगड़ को ता फिर रगड़ को रा जा तो ये शॉर्टकट कट होता है याद करने का या माता राज भान सलगा ठीक है इसको क्या कहेंगे या माता राजभान सलगा इस सूत्र के पाठ प्रथम आठ वर्णों के नामों के हैं ये या से यगड़ हो गया माँ से मगड़ हो गया ता से त्रगड़ हो गया इसी प्रकार सभी लगे हुए हैं अंतिम दो वर्ण ला से लघु और गा से गुरु भी होता है ठीक है लास्ट लास्ट में जरूर होता है जिस गढ़ का स्वरूप जानना हो उस गढ़ के पहले अक्षर को लेकर आगे के दो अक्षरों को मिलाकर वह गढ़ बन जाता है जैसे यहाँ पे या माता में दिया गया है तो देखो यहाँ पे क्या है आ, पहला अक्षर देखो छोटा है तो इसको लघु कहा गया है माँ बड़ा है ता बड़ा है तो इसको गुरु बोला गया है तो लघु गुरु गुरु या माता क्या है लघु गुरु गुरु यह गढ़ हो गया ये क्या हो गया <coughs> यह माता में ईयढ़ हो गया फिर उसके बाद माता रा तीन अक्षर अच्छा ले लिया यहाँ पे गुरु 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 है मगड़ हो गया ताराज इसमें क्या है गुरु गुरु लघु है तो ये तगड़ हो गया इसी प्रकार इनमें काउंटिंग की जाती है इनकी पहचान ये एक्चुअली में ठीक है इनका काम कब पड़ेगा हम आपको आगे दिखाएंगे तो इसको आप एक बार जरूर देख लेंगे चलिए खैर छंद के प्रकार पे चलते हैं ठीक छंद का प्रकार है यहाँ पे वर्णिक छंद मात्रिक छंद वर्णिक वृत्त और आ, मुक्त छंद ये दो जो ए, तीसरा चौथा है ये बहुत कम आपको पढ़ने को मिलता है क्योंकि वार्णिक मात्रिक दो ही ज़्यादातर मिलता है ठीक है पर हम आपको चार दिखा रहे हैं ताकि आपको डिटेल पता रहे ठीक है ये वैसे भी छंद कंप्लीट इसमें करना है पूरी तरह से तो वार्णिक छंद कहते हैं जिन छंदों की रचना जो होती है वर्णों की गिनती के आधार पर की जाती है कि इसमें कितने वर्ण चाहिए कितने नहीं चाहिए उन्हें हम वार्णिक छंद कहते हैं जैसे सवैया है इंद्रवज्रा है उपेंद्र है बहुत सारे इसमें रचनाएं होती हैं जो कि छंद की छंदकी होती हैं, ठीक है आगे हम लोग देखते रहेंगे मातृ में क्या होता है जिन छंदों की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर की जाती है वर्ण नहीं मात्रा मात्रा मतलब पाई मात्रा जो होते हैं, उनकी उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं जैसे दोहा सोरठा हर वगैरह होते हुला वगैरह इनके तीन प्रकार होते हैं मात्रिक के तीन प्रकार हो सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद तो कभी सम मात्रिक बोला जाएगा कभी अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक तब को परेशान नहीं होना है तीन के मतलब भी हम बता देते हैं जैसे दिया है सममात्रिक छंद वे हैं जिनके चरणों में समान मात्राएं होती सभी चरण में समान मात्राएं मतलब पहले चरण में दूसरे चरण में जिसमें भी ले लो सब में मात्राएं समान हो उसे सममात्रिक कहते हैं ठीक और फिर दिया गया अर्ध सममात्रिक जिनके पहले और तीसरे चरण तथा दूसरे चौथे चरण में समान मात्रा, हो पहले और तीसरे में समान हो दूसरे और चौथे में समान हो उनके हम कहते हैं अर्धसमात्रिक क्योंकि आधा समान है आधा नहीं समान है विषम मात्रिक जिनका कोई भी चरण समान ना हो सब अलग अलग हो विषम मात्रिक होते हैं ठीक है बिल्कुल आगे देखते हैं हम लोग वर्णिक छंद वर्णिक वृत्त छंदों में मात्राओं के अतिरिक्त वर्णों की संख्या तथा क्रम के अनुसार भी गणना होती है ऐसे छंदों को जिनकी गणना वर्णों के अनुसार होती है वर्णिक छंद कहते वर्णिक वृत्त कहते हैं क्या कहते हैं बिल्कुल वर्णों की गणना गणना वर्णों के अनुसार होती है अब जैसे यहाँ पर वर्णिक भी था जिन छंदों की रचना वर्णों की गिनती के आधार पर होती है लगभग लगभग मिलता जुलता है बट थोड़ा वही इनमें चार समान चरण होते चार समान चरण होंगे और प्रत्येक चरण में आने वाले लघु गुरु क्रम सुनिश्चित रहता है गणों में वर्णों का बधा होना इनका प्रमुख लक्षण हो देखो गणों में बधा होना गण इसमें जरूर होने चाहिए इसलिए इसे वर, वर्णित वृत्त कहते हैं गणवृद्ध तथा गणात्मक छन्द भी कहते हैं सात भगण और दो गुरु का अत्यंत सवैया छंद इसका उदाहरण है इसमें सात भगण होते हैं और दो गुरु होता है अकांश्य छंद में मत्यंद सवया छंद में मत्यंद के अंदर सवया छंद आता है उसमें होता है ऐसा ठीक है अच्छा मुक्त छंद जो होता है चरणों की अनियमित असमान स्वच्छंद गति भावानुकूल ये अति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता मतलब मुक्त छंद नाम में ही है मुक्त मतलब इससे कोई मतलब नहीं होता कहाँ अगड़ भगड़ कहाँ क्या आना है कोई मतलब नहीं इसका कोई नियम नहीं है यह एक प्रकार का लयात्मक गण है इसमें बस मजा आनी चाहिए लय होना चाहिए बस जिससे पद का सारा काम चलता निराला से लेकर नई कविता तक हिंदी कविता में इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ है मुक्त छंद के प्रवर्तक हिंदी में निराला जी माने जाते हैं ठीक ये चीज़ें कुछ यहाँ पास दी गई हैं तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको जैसे दिए गए यहाँ पे छंद का काव्य महत्व तो क्या होता है आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं क्या महत्व होता है इसका ठीक है जैसे यहाँ पे दिए गए छंद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है इसका महत्व तो निम्नलिखित है छंदोबद्ध रचना में स्थायित्व होता है जिसमें छंद होता है वो स्थायित्व रचनाएँ होती हैं छंद युक्त रचना सीधे हृदय को प्रभावित करती है छंद युक्त रचना सरस होती है छंद युक्त रचना हृदय की सौंदर्य भावना को जागृत कर देती है समझ रहे हो तो ये चीज़ें होती हैं इसमें तो खैर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं ठीक जैसे आता है पहला आता है आपका दोहा अच्छा इनके कुछ रूल होते हैं आपके नियम होते हैं कैसे गणना की जाती मात्राओं की कैसे उसकी तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जब डिटेल पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसकी गणना वगैरह भी देख लेते हैं क्योंकि आप लोगों ने भी कहा था कि सर गणना करना जरूर बताइएगा तो गणना करना ये देखिए यहाँ पर छंद में मात्रा लगाने के नियमों को यहाँ पर नीचे दिया गया है ठीक है इनको आपको ध्यान से देखना और सुनना है क्लियर है यस जैसे दिया गया पहला सभी हास्य स्वरों जो अभी हमने बताया ना हास्य मतलब जो छोटे स्वर होते हैं क्या जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी होता है ना तो छोटे जो छोटा शब्द बोला जाता है वो छोटे होते हैं तो हास्य स्वरों और उनके योग से उच्चारित वर्णों पर लघु मात्रा लगाई जाती है जो छोटे होते हैं स्वर उन पर हम क्या करते हैं लघु मात्रा लगाते हैं एक लिख देते हैं दीर्घ स्वरों और उनके सहयोग से उच्चारित व्यंजकों पर गुरु मात्रा देखो दीर्घ स्वर हो या फिर उनके सहयोग से भी कोई बोला जा रहा हो तो उसे भी हम क्या कहते हैं आपको गुरु माना जाएगा नहीं कि बड़ा माना जाएगा दो मात्रा मानी जाएगी अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्णों पर गुरु मात्रा लगती है अनुस्वार है जिसमें चांद वगैरह लगे हुए हैं बिंदी वगैरह उनमें क्या होता है आपका आ, गुरु मात्रा मानी जाए चाहे वह हास वर्ण ही क्यों ना हो उनको हम गुरु मान लेते हैं संयुक्त अक्षर से पूर्व के वर्ण पर गुरु मात्रा लगती है संयुक्त अक्षर से पूर्व के वर्ण पर जो जुड़ते हैं अक्षर तो उनमें पहले वाले पे गुरु लगती है ठीक है यदि शब्द का पहला हम बताएंगे आगे भी आपको बताएंगे दिखाएंगे ठीक है परेशान नहीं होना है बस इसको अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं ताकि आपको ये पता रहनी चाहिए पहले से यदि शब्द का पहला वर्ण संयुक्त है तो उस पर वर्ण के अनुसार मात्रा लगेगी यदि वह लघु वर्ण है तो लघु और दीर्घ वर्ण है तो गुरु मात्रा लगेगी तो लघु लग और दीर्घ वर्ण है तो गुरु मात्रा भी लग जाएगी चाहे दीर्घ हो चाहे लघु हो ठीक है बिल्कुल अगला दिया है संयुक्त अक्षर के पूर्व के वर्ण पर यदि बल नहीं पड़ता तो उसकी मात्रा लघु ही रहेगी अगर बल नहीं पड़ता है पढ़ने पे तो लघु ही रहेगी अगर बल पड़ता है तो दीर्घ मानी जाएगी ठीक है तो कुछ इसके ये नियम हैं आपने देखा यहाँ पास और ये काम कर रहे हैं इस प्रकार अच्छा ये चीज़ तो हमने आपको बताई दी वगैरह ठीक है चलिए खैर चलते हैं आगे आपको हम दिखाते हैं दोहा छंद क्या आता है दोहा आता है इसमें हम लोग आपको काउंटिंग करके दिखाएंगे ठीक जैसे इसकी परिभाषा दी गई है दोहा अर्धसम अर्धसम अभी बताया था ना कि पहले तीसरे में अलग मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे में अलग समान होंगी दोनों में समान समान ठीक है यह सोरठा का उल्टा होता है इसमें चार चरण होते हैं इसके पहले और तीसरे में चरणों में तेरह मा, तेरह मात्राएं होती है दूसरे चौथे में ग्यारह ग्यारह देखो दूसरे और चौथे में समान है और पहले और तीसरे में समान है आधे में समान है आधे में नहीं है तो इसलिए इसको अर्धसम मात्रिक कहते हैं विषम चरणों के यदि विषम चरणों के यदि प्रारंभ में लघु गुरु लघु नहीं पढ़ना चाहिए और सम चरणों के अंत में लघु पढ़ना आवश्यक है और तुग भी आवश्यक है देखो ये चीज़ें इसमें क्लियर होती तभी दोहा कहा जाएगा जैसे दिखाते हैं हम आपको अच्छा आपको ये चीज़ें परिभाषा अगर नहीं पता रहेगी तो आप इतना भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा जैसे श्री गुरु चरुण चरण सरोज रज निज मन मुकुर मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस अजो दायक फलचार तो ये देखिए इसमें ग्यारह ये पहला चरण है आपका ये दूसरा चरण है ये तीसरा चरण है ये चौथा चरण है तो देखो दूसरे और तीसरे में समान ग्यारह ग्यारह है पहले और तीसरे में तेरह तेरह है ठीक है तो देखो श्री में देखो यहाँ पे संयुक्त अक्षर है ये इसलिए गुरु माना गया है देखो गुरु यहाँ पे छोटा है तो इसलिए लघु ये रो भी छोटा वाला है चा भी छोटा और भी तो सब में एक एक लिखा सा में भी रो में देखो ओ की मात्रा है तो ये क्या है आपका बड़ा है अज्जा में भी छोटा रज भी छोटा छोटा है ठीक है निज में निज भी छुट्टी नहीं है छोटा

एक तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह मात्रा आपकी हो जाएंगी तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है दोहा में तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह यानी पहले तीसरे में तेरह तेरह और फिर इसकी ग्यारह ग्यारह आज का उल्टा बोला गया तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा यही चीज़ें यहाँ पर ग्यारह होंगी यहाँ पर तेरह यहाँ ग्यारह यहाँ तेरह जहाँ ग्यारह तेरह हुआ तेरह ग्यारह हो जाएगी ठीक है इस प्रकार आप दोनों को ध्यान रख सकते चलो चौपाई देखते हैं चौपाई यह एक सब मात्रिक है मतलब इसके सभी चरणों में समान समान सोलह सोलह इसमें दो ही चरण होते हैं तो इसमें क्या होता है सब में समान होता है पहले में भी सोलह और दूसरे में भी सोलह हो जाएंगी समझ रहे हो बिल्कुल हो जाती हैं ये हो गई आपकी जैसे रघुकुल रीत सदा चलियाई जाई पर वचन न जाई ठीक है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी में उसी तरह गिनती की गई है और आपको इस पर सोलह सोलह मात्राएँ आप गिन सकते हैं जैसे यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह 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 आपकी मात्राएँ है। हैं इसमें ठीक है बिल्कुल आपने ये देख लिया भाई इसमें आपको सारा कुछ दिख रहा आराम से ठीक है ना बिल्कुल चलिए आगे देखते हम लोग ओके ठीक ये आ गया आपका रोला क्या आ गया रोला आ चुका है ठीक है रोला हम लोग देखते हैं क्या होता है ठीक क्लियर है ना यस चलो भाई रोला देख लेते हैं हम लोग रोला क्या होता है ना रोला रोला चार चरणों वाला मात्रिक सम छंद देखो सम ये भी है इसके प्रत्येक चरण में चौबीस चौबीस मात्राएं होती हैं ग्यारह है और तेरह मात्राओं पर विराम होता है विराम होता है लेकिन टोटल मिला के ग्यारह तेरह यानी चौबीस चौबीस हो जाएंगे ठीक है प्रत्येक चरण प्रत्येक चरण के अंत में दो गुरु तथा दो लघु वर्ण जरूर होते हैं ये शर्त है इसकी ठीक है बिल्कुल जैसे दिया है इसमें रोला में नव उज्जवल जलधार हार हीरक सी सोहती आ बिच छहरति बूंद मध्य मुक्ता मनिपोहती लोल लहर बही पवन एक एक पे एक वत अजिम नर गण विविध मनोरथ करत मिटावत सही है ये चीजें इसमें हैं तो ये एक प्रकार का रोला है इसमें गिनेंगे तो चौबीस आएगी चलिए एक गिन के देख लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और यहाँ पे हमने आपको बताया है भाई किसको छोटा किसको बड़ा माना जाएगा ठीक है यस तो रूल आपको ज़रूर याद रखना हो उसी रूल से सारा काम होता है उल्लाला देखो दिया गया है उल्लाला यह एक सम मात्रिक छंद है सममात्रिक वो देखो इसमें भी आधे आधा होगा इसमें कुल अट्ठाईस मात्राएं होती हैं इसके पहले और तीसरे चरण में पंद्रह पंद्रह और दूसरे चौथे में तेरह तेरह तो पंद्रह 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 तेरह अट्ठा अट्ठाइस हो जाएगा तो उल्ला में अट्ठाइस मात्राएँ होती हैं टोटल ठीक है अच्छा कैसे ध्यान रखोगे अट्ठाइस को भाई और दोहा में आपने देखा था अभी दोहा में भी है ना इनके ट्रिक भी ये पेपर पूछा जाता है भाई जैसे इसमें ग्यारह तेरह क्या होती हैं ग्यारह तेरह ग्यारह ग्यारह तेरह सही है ना तो अगर ग्यारह तेरह के पहले और तीसरे में ग्यारह तेरह हैं तो ग्यारह तेरह है ना अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा चौबीस हो जाएगा ठीक तो इसमें भी कहीं ना कहीं चौबीस ही आ रहा है ठीक है तो अगर इनको एक साथ हम दो चरण मान लें तो ठीक है एक साथ में इनको अलग अलग इम रख दिया है पर एक साथ भी आप कर सकते हो तो टोटल चौबीस होगा तो, टो, टो तो देखो इसमें दोहा में कितने अक्षर हैं दो अक्षर हैं कितने हैं दो अक्षर हैं दो अक्षर हैं ठीक है तो दो का दो गुना करेंगे तो चार होता है दो का स्क्वायर कितना होता है आपका चार होता है तो कुल मिला के चौबीस दो अक्षर है तो दो का दो गुना चार तो चौबीस चौपाई में देखो तीन है कितने हैं तीन है तो तीन का दो गुना करो भाई तीन का दो गुना छः तो इसलिए इसमें क्या आता है सोलह सोलह होती हैं कितनी होती हैं सोलह सोलह ठीक कितनी होती है सोलह सोलह मात्राएं होती प्रत्येक चरण में होती है इनकी मात्राएं ठीक है तो तीन दोनों छः सोलह सोलह आप ऐसे ट्रिक से थोड़ा सा याद रखेंगे ट्रिक पूरी तरह से काम नहीं करती बट नाइन्टी नाइन परसेंट काम करती है जैसे रोला में देखो रोला में दो है क्या है दो तो इसका दो, दो गुना करोगे तो चार तो चौबीस मात्राएं होंगी क्या होंगी चौबीस मात्राएं ये देखो होती हैं उल्लाला में देखो इसको आधाला है तो इसको चार मान के चलेंगे क्या चार ये एक दो तीन चार अक्षर है ठीक है तो इसमें दो के गुणा में चार करेंगे तो दो चौक आठ इसलिए इसमें अट्ठाइस मात्राएं है होती हैं ठीक है बिल्कुल ती चीजें हैं यार सामात्रिक है करते अभिषेक है बलिहारी इस देश की हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की ती चीजें इसमें दिया गया है क्लियर है ना ओके तो आप इस तरह इनको याद कर सकते हैं क्लियर है यस चलिए देखते हैं गीतिका अब गीतिका में कितनी होती छब्बीस होती तो देख रहे हो इसमें तीन अक्षर है कितने हैं तीन है तो दो त्याई कितना होता है छ तो दो में ही हमेशा गुड़ा करना है आप छब्बीस हो जाएगी इसकी ठीक है यस तो दो तेईस छः इसमें भी छत्तीस और उसमें सोलह होती तो उसमें भी छः आ रहा दो तेईस है ठीक है हर गीत कम देखो कितने हैं तो इसमें आपको मान के चलना है पाँच है लेकिन ये ट्रिक चार ही तक काम करती है ठीक है तो आपको इसको चार मानना अगर वो चार है तो चार मानना चार से अधिक है तब भी चार ही मानना ठीक है यस पाँच को भी चार ही लेना तो दो चौक आठ करना है अट्ठाइस होंगी इसमें क्या होंगी अट्ठाईस मात्राएँ होंगी क्लियर है यस तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है क्लियर है तो चलिए इसको पढ़ के हम बता देते हैं यह है एक सममात्रिक छंद है वो देखो सममात्रिक है यानी कि सब प्रत्येक चरण में इसमें बराबर प्रत्येक चरण में चौदह बारह के यज्ञ से छब्बीस मात्राएं होती हैं तो सममात्रिक है ठीक है अंत में लघुगुरु होता है इस छंद के प्रत्येक चरण की तीसरी दसवीं सत्रहवीं और चौबीसवीं मात्रा लघु होनी चाहिए इस शर्त है कुछ इसकी ठीक है अगर आप सी चीज़ें नहीं याद होती तो आपको इतना ज़रूर याद रखना कि सम छंद है और यह चार चरणों में होते हैं और प्रत्येक चरण में चौदह बारह यथ से छब्बीस मात्राएँ होती इतना आपको जरूर याद करके जाना है पेपर में ठीक है यस अब जैसे इसमें दिया पुष्प नव उद्यान का सबसे अनोखा अति भला अब क्या हुआ मुरझा गया था नोच कर उसको भला सुख सुना है इस जगत में बस दुखों का ढेर है चार दिन की चांदनी है फिर वही अंधेरी रात है यानी अंधेर है तो यहाँ पे देखो एक को काउंटिंग करके बताया बाकी आप खुद काउंटिंग कर लेंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी हर गीत का हम देख लेते हैं ये एक मात्रिक सम छंद है ये भी है वही इसमें चार चरण होते हैं इस छंद के प्रत्येक चरण में अट्ठाइस मात्राएँ होती हैं हमने ट्रिक आपको बता ही दिया सोलह बारह पयाति होती है यति देखो सब में अलग अलग हो सकती है बट मात्राएँ आपको जरूर पूछा जाता है ठीक श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे सब शोक अपना वो देखो शोक था ना शोक अपना भूल कर युगल मलने लगे संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े करते हुए यह घोषणा हुए होकर उठ, उठ उठकर खड़े हो गए उठकर खड़े ये हर गीत का, का है ठीक है तो इसमें आपको ध्यान रखना 28 मात्राएं है, होती हैं तो हमने आपको ये बता दिया है चलिए सोठा में चलते हैं सोठा दोहा का उल्टा था यह अर्ध सममात्रिक है यह दोहे का उल्टा होता है इसके विषम चरणों में ग्यारह ग्यारह चरणों में तेरह तेरह देखो वही उल्टा कर दिया गया है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए अटूटे से फिर न जुड़े अजुड़े गांठ पर जाए जुड़ेगा तो गांठ पर जाएगी जो सुमिरत सिद्ध होय अगन नायक करिबर वदन अ करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि बुद्धिरास्य शुभ गुण सदन तो ये उसका उल्टा कर देना है बस उसमें एक ग्यारह तेरह ग्यारह थी इसमें ग्यारह तेरह समझ गए तो ये चीज़ें इसमें होती है अब सोठा को भी कैसे ध्यान रखोगे छः ग्यारह और तेरह का जोड़ो कितना होगा भाई चौबीस ठीक है चौबीस आ रहा भाई यहाँ पे तो अब इसमें लेकिन तीन अक्षर आप कहोगे सर दो तेईस छः हो रहा है हम तो लोग क्या कहा था एक आठ में अपवाद है एकाठो नाइन्टी नाइन परसेंट काम करती है एक में नहीं तो सोरठा को भी आपको अलग से याद रखना है सोरठा में चौबीस ही होंगे टोटल मिला के ठीक है यस ये अपवाद है इस रोल में नहीं आता ठीक है ट्रिक में यस चलिए खैर आगे चलते हैं हम लोग कवित्त कवित्त छंद देखते हैं कवित्त छंद क्या होता है भाई है ना वर्णित छंद ये वर्णिक है छंद मात्रिक नहीं है कवित्व में चार चरण होते प्रत्येक चरण में इकतीस इकतीस वर्ण होते हैं सोलह और पंद्रह यड़ी होती है ठीक है बिल्कुल इकतीस वर्ण होते हैं इसमें इकतीस कवित्त में ठीक है भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की शुद्ध बज गावन के गावन में पावन जबय लगी अ कहे रत्नाकन ग्वालिन की झौरी झौरी दौर दौर नंद पौरी आवन तवे लगी उछा उच, उछकी की पद कंजन के पंजन पय पे की पे की पाती छाती छोहानी छवे लगी हमको लिख्यो है कहाँ हमको लिखो है कहाँ हमको लिख्यो है कहाँ कहन सवै लगी तो ये दिया है छंद दिया गया है इसमें गयातीस इस में वर्ण होते हैं इकतीस शब्द होते हैं ठीक है ये वार्णिक है मात्रिक नहीं है इसमें मात्रा नहीं गिनना है इसमें वर्ण गिनना है वर्ण ठीक है यस अक्षर गिनने चलो देख लेते काठो गिन के भाई है कि नहीं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ये देखो सोलह पर है सोलह पर और उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह समझ गए तो इस प्रकार आपके सोलह पंद्रह मिलकर इकतीस हो जाएंगे तो इस प्रकार आपको गिन लेना आधों को नहीं गिनना ठीक है आधे को ना गिनना ठीक है सवया छंद देखते हैं सवया छंद की क्वालिटी सवया छंद में 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण होते हैं 22 से लेकर 26 के बीच आप रख सकते हैं ठीक है तो इसमें 26 तक होती तो देखो तीन अक्षर है तीन दो तैयार छः छब्बीस तक जा सकता है ठीक है बिल्कुल तो आपको ये केवल वही सोटा वसपवाद है इसके कई प्रकार हैं यहाँ मत्यंद तथा दुर्मिल प्रकार दिए जा रहे हैं तो मत्यंद मतया मत्त गयंद और दुर्मिल दो के मेन है बाकी और आपको बहुत हाई लेवल पे अगर डिटेल देखेंगे तो वहाँ पे मिलेगी तो खैर हम लोग यहाँ पे मत्य मत् गयंद देखेंगे और यहाँ पे दुर्मिल देखेंगे तब मत्ग यंद देखते हैं इसमें चार चरण होते हैं और तेईस वर्ण होते हैं कितने होते हैं तेईस होते हैं वर्ण सात भगड़ और दो गुरु के क्रम में होते हैं शेष महेश गणेश दिनेश सु, जाहि निरंतर गावे अजाहि आनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद पद बतावे नारद से सुख से रटे पचहारे तो पुनि पार न पावे अताह यहीर की छोहरिया छछरिया भरी छाछ पर नाच नचावे तो ये सब है तो कुछ इस प्रकार है तो थोड़ा कठिन आपको याद करना पड़ेगा बट वहाँ पे आपको याद करना नहीं होता है आपको अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको आ, याद नहीं करना होता सिर्फ गिनना होता है लेकिन अगर आप बारहवीं दसवीं नौवीं के बच्चे हैं आठवीं के तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ती हैं लेकिन ये इस लेवल में आती नहीं बारहवीं लेवल में आता है सवया कवित्व वगैरह ठीक है बारहवीं कक्षा में तो ये चीज़ें बारहवीं वाले याद कर सकते हैं ठीक चलिए दूरमिल का देख लेते तो दूरमिल में चार चरण होते हैं प्रत्येक चरण में चौबीस वर्ण होते हैं ठीक है बिल्कुल पुरते निकसी रघुवीर वधू धरी धीर दये मग में डग डगद्वय अझलकी भरी भालकनि अजल की पट सख गए मधुराधर वय फिर बुझती है चलनी अब अवकेतिकर्णकुटिकोकित है की लिखी आतुरता पी की यखिया अति चली जल ज्वय ठीक है तो ये चीज़ें ध्यान रखना आपको बाकी आपको आपने देखा तो हमने आपको और कुछ छूटे होंगे तो हम लोग इसमें देख लेते हैं अगर कुछ छूटे हैं आपके तो अगर इसमें हो तो हम लोग देख लेते हैं पीडीएफ में ये तो हम लोगों ने देख लिया सोठा भी देख लिया बराबर छंद ये आता ने उल्लाला उल्लाला तो हम लोगों ने अट्ठाइस वाला देख लिया है ठीक है उल्लाला देख लिया है बराव छंद क्या है भाई ये भी है आ, अर्ध सब मात्रिक ही है ये भी मात्रिक है वर्णिक नहीं है ठीक है यस अगर जिसके में है तो ये कर सकता है यहाँ पे ठीक है और चौपाई हो गई है रोला हो गया है गीतिका भी हो गई हर गीत का भी हो गया है कुंडलिया कुंडलिया छुट रहा हमारा मेन जो चीज़ें हैं ठीक है ये भी तो देख लेते हैं हम लोग इसको भी देखो कुंडलिया दोहा प्लस रोला ठीक है कुंडलिया क्या है दोहा प्लस रोला दोहा और रोला को मिला दिया जाता है यह एक विषम मात्रिक छंद है इसकी प्रथम दो पंक्तियाँ दोहा की तथा अंतिम चार पंक्तियाँ रोला की होती है कुंडलिया छंद चार पंक्तियों का होता है इसमें चार इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है जिस शब्द से चालू होता है उसी शब्द से अंत होता है तो इसका पहला शब्द समय है और अंतिम भी समय है हम लोग गिरधर की कुंडलिया बहुत पढ़ा करते थे आठवीं कक्षा सातवीं कक्षा आठवीं में था समय समय की बात है समय समय का फेर जहाँ देर है वही है सच मानो अंधेर सच मानो अंधेर मचा संसद में हुल्लड़ हर संसद सांसद को भांग पिला दो भर भर कुल्लड़ भांग चढ़े मतभेद दूर हो करे न संशय अनाचे गाये झूम सियासत भूल हर समय तो ये कुछ उस पर दिया गया है सही है ना तो कुंडलिया और बाकी आप गिरधर जी की कुंडलियां कर सकते हो बिना बिचारे जो करे सो पछताए काम हो आपने आ, है ना तो ये चीज़ें आप देख सकते हो इसमें छह लाइनें हैं तो आप उनको सर्च कर सकते हैं मिल जाएगा ठीक है गिरधर की कुंडलियाँ हैं और भी इसकी है आ, गुण के गाहक सहासनर बिन गुण गाह न लहाए बिन गुण लहा न कोए ये चीज़ें भी उनमें है और एक मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है तीन उनमें गिरधर की कुंडली हम लोगों ने आठवीं पढ़ा था ठीक है तो ये चीज़ें हैं गिरधर की कुंडलियों में तो चलिए खैर आगे देखते हैं और कौन हमारा छूट रहा है तीन की क्वालिटी आपको लेते चलना है ठीक यस चलिए आगे चलते हैं हम लोग छप्पा अच्छा छप्पा हम लोगों को छूटा जा रहा था ठीक है यस छप्पा दिया गया छप्पा रोला प्लस उल्लाला होता है ठीक है उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला इसमें मिला दिया जाता है तो ये छब्बीस या अट्ठाईस मात्राएँ इसमें हो जाती हैं जिसमें दिया गया है नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर ये देखो गिनती भी की गई है आप गिन सकते हैं अच्छा इसमें एक दो ऐसे भी है लघु को ऐसे कर दिया गया है गुरु को ऐसे बना दिया तो और आसान हो गया ठीक है वही जो ऐसे बना हुआ था उसी को उल्टा कर दो तो दो बन जाएगा ठीक है खैर चलो आ, सूर चंद्र युग मुकुट मेघला रत्नाकर है नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारा, मंडल है अब बंदी जन खग वृद वृंद शेष फन सिंहासन ये रोला हो गया यहाँ तक उसके बाद करते अभिषेक पयोध बलिहारी सभेश की हे मातृभूम तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की ये उल्लाला हो गया दोनों को मिलाकर बनता था तो सबसे पहले यही चीज़ आपको ध्यान है रो, रोला प्लस उल्लाला रचना को हम क्या कहते हैं छप्पे कहते हैं ठीक है ये चीज़ें आपको ध्यान रखना यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं ठीक है चलिए खैर ये भी हो गया तो आपने कुंडलिया को देखा दोहा प्लस रो, रोला और यहाँ रोला प्लस उल्लाला ठीक है ये चीज़ें अंतर आपको ध्यान रखना है ठीक तो खैर आपके सभी छंद लगभग लगभग हो गए हैं और हमें तो नहीं लगता कि इससे बाहर कोई छंद आने वाला है तो आपको ये चीज़ें देखते रहना है और करते रहना है ठीक यस तो ये हमने आपको सारे बता दिए ट्रिक भी बता दी आपको मात्रा याद करने की तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है ठीक है यस तो चलिए खैर इसमें इतना ही रखते हैं अगर नए हैं चैनल पे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें और कमेंट करना लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें इससे हमें पता चलता है कि आपको पसंद आ रहा है और एंडनेस आप लगा रहे हैं ठीक है बिल्कुल तो हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लाते रहेंगे तो चलिए खैर आप सजेशन भी दे सकते हैं कि कौन सा कॉन्टेंट और लाया जाए और खैर आप पढ़ते रहिए आपके पेपर पास में हैं हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर